ये भी है, ये भी है कलर इसमें ना। और बजी ये चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैर से होंगे, खुश होंगे। और अब आप तो आज मैं अपने बहन भाइयों को बताऊं, ये आग पता है किसने लगाई है? मैंने ये आग लगाई है। हाँ, मेरा काम है ना आग लगाना। इसे शुक्र है अल्लाह का कि आज थोड़ी सी धूप निकली है और कुछ सुकून आया। अलबत्ता कपड़े जो इनसे ना यहाँ पे सूखने के लिए डालते हैं, हाँ, ताकि सारे कपड़े खुश्क हो जाए। तो जी खैर से अपने बच्चे के कपड़े जो है वो चेंज किए जा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि इसने गंदे किए हुए थे काफी। आप बता, खुद ही बंद कर लोगे? ये देखो, मुझे दे दो, मैं बंद कर दूँ। और यहाँ हमारी चाय जो है वो आ चुकी है, बन रही है अभी, थोड़ी सी देर है। जी। चलो जी, कह रही है थोड़ी सी देर है अभी। तो सर आपने क्या खाना है? चावल। हम ना खा रहे, हम तो जा रहे हैं। मैं तो रोटी खाऊं, तुझे पता तो है। मैं तो रोटी है दांत की। नहीं अब नहीं, मैंने चावल खा लिए। अच्छा, हाँ, मैं और कैक्सा तो चावल खा के बैठे हैं। हाँ, आते थे चाचू की तरफ से जो आए थे ना। थोड़े से और मोहम्मद ने भी खाए। मैंने उठा के रख दिए थे, मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैंने कहा सुबह खाई। मैंने तो बोतियां खाई है, बोती। उसमें से बोतियां खाई हैं? हाँ, बोतियां खाई हैं। नादिन भी चाची देके गई थी चावल, उधर से आए थे चाची चाचू दोनों आए थे। उन्होंने बिरयानी बनाई थी, वो बिरयानी दे के गए थे और मेरे जहन से निकल गया, मैं अपने बहन भाइयों को दिखाती कि बिरयानी होती क्या है। क्यों जी? ये अपनी माँ के पास इस वक्त है। वैसे कितनी प्यारी छोटी सी है ना, छोटा सा प्यारा प्यारा चाहिए, ये कितना प्यारा प्यारा चाहिए। तो ना लड्डू ने तो ना इसका कमका जरूर किया। हाँ, अभी भी उधर ने डांट डांट के सारे बच्चों को भगाया कि निकल जाओ यहाँ से। आपकी मम्मा चप्पल नहीं पहनती, आपको पता था? मेरे से चप्पल नहीं पहनी जा रही। ये चीज़ है वो मैं पहन लेती हूँ, अभी तो धूप निकली, अभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ हमारी आग जो है मैंने लगाई वो जल गई। क्या कहते हैं, धुआं आपको चाहिए थोड़ी? नहीं बस आप पियो, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, ये ला दो मुझे, ये वो ला के दो मुझे कप। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? मम्मा भी अच्छे नहीं है, सारा दिन मेरे साथ रहते हो, सारा दिन बाद गलियों में फिरते हो। कैसे करो आप, कहाँ फिरते हो सारा दिन? घर में तो नहीं होता सर? तो मुझे एक बिस्किट मंगवा दिया था। अच्छा जनाब, मंगवा दे। कहाँ जाते हो आप? वही ये कह रहे मेरी शादी का। अच्छा, बिकू तो ले आना। अब ये मम्मा क्या कह रही, जरा पीछे खड़े होके बताओ ना मुझे। इधर 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 मेरी तरफ। हाँ भाई, क्या कह रही है मम्मा आपकी शादी करनी है? शादी कर लो। मम्मा से पूछो को लड़की देखो फिर। मम्मा मैंने कोई लड़की देखी है ना? कौन देखी है? अलकी दुल्हन देखी है। दुल्हन उसको सिर्फ दुल्हन का पता है, उसे शादी का पता है। मेरा बेटा उसे क्या पता, उसे क्या पता कौन सी दुल्हन है, कौन सी क्या दुल्हन है, क्या है? कर लो बता मैं। अच्छा बाबा, नहीं ये नहीं करना। तो बहन भाई, ये दूध ना मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। हाँ, ये तो हमारा दूध सुबह शाम की जमानत देखनी पड़ती थी। सुबह मंगाओ फिर शाम मंगाओ। जी बाबा ले आओ, मैं जाऊंगा पापा, मैं जाऊंगा। जी मैं जाऊंगा। आप दोनों चले जाओ बस। है मुझे दो फिर। अच्छा मैं आपको दे लूंगा। अच्छा ले आए, क्या लेके आए? बिस्कुट चप्पल। हैं बिस्कुट चप्पल चॉकलेट वाला। इधर बताओ ना मुंह करके, कौन सा बिस्कुट? चप्पल बिस्कुट चॉकलेट वाला जोल छे। चॉकलेट वाला चप्पल बिस्किट, कौन सा बिस्किट है ये? चप्पल चप्पल। अच्छा वापसी से को कप भी दो, आप ये कप भी दो भी। ये आज
बैठो आज सब अभी पी ली कभी फिर कहीं हमें पूछा नहीं देर ना हो जाए कहीं हो गई देर देर तो हो गई है देर तो तो बहन भाई मैं आपको सच बताऊं ये सब नाश्ता नुश्ता ना करके बैठे हूँ तो मैं थकावट की वजह से मैं आज उठी हूँ देर से ठीक है हम तो सोए नहीं सारी रात सारी रात मैं तकरीबन 4 बज गए थे जब मैं सोई हूँ क्योंकि जाहिर है ये बकरी को देखना एक बार खुद हम सो गए फिर मैं उठी मैंने आके देखा तो इसने अपने ऊपर से वो कपड़ा वगैरह उतारा हुआ था ऐसे ही ठंड में थी ये ना कि हमने कवर तो किया हुआ था सारा कि शकुर की वजह से लेकिन फिर भी ठंड थी जी मैंने जाके उठाया कदम को मैंने तो सर उठे ज़्यादा देखे फिर उसके बाद लड्डू आपके पास चले गए ना सोए कहाँ हैं हम बन्ना सोने 6 बजे जो है लड्डू उठ गया था बाबा आप वो ले आओ अपने लिए मैं आपको पैसे दे देता हूँ आप मेरे से ले लो ये इसे ना छेड़ो तो होनी सूरत है ना एक मिनट में ये कैक्शा का भैया बन जाता है एक मिनट में लड़ाई रिश्ते ही खत्म खाने पीने में कोई उसकी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं ये पागल है हैं भाई कैक्शा पापा मुझे बांदरी बांदरी कहता है हैं हां जी क्या कहता है बांदरी अच्छा चलो कोई बात नहीं वो तो हो ना अच्छा नहीं गलत कह दिया मैंने भी नहीं ये कौन है पिज़्ज़ा 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 है ये कौन क्या नहीं कौन है पिज़्ज़ा हैप्पी ये कौन है इसका नाम क्या है हैप्पी इसे हैप्पी कहते हैं नहीं नहीं पापा ये मैं गाली नहीं देते मैं कहता हूँ हैप्पी पापा मैं गाली नहीं देता इसे मैं इसे कहता हूँ आप ही कितना झूठ बस मेरे सामने तो आप कह देते बांध दिया कह देते ना मानेगा नहीं थोड़ी है मैंने कहा कोई नहीं कह वो छोटा भैया अपना बुरा मनाया करो इस चीज़ का अच्छा ठीक है हैं हैं बांधरी ठीक है तुझे देना खा दे वो गाजर का हलवा खा लेते चले हाँ वो दे दे थोड़ा सा पापा जी देखिए अच्छे पापा को दे थोड़ा सा पापा जी पापा मैंने कहा आटा गूंद के रख लूं गैस आने से पहले आटा गूंद जाएगा नहीं होगा कि गैस जैसे ही आएगा ना बच्चे ने कुछ खाना पीना होगा तेरे को रोटी बना दूंगी गोभी वाला पराठा कहेंगे वो बना दूंगी नहीं अगर सादा रोटी कहेंगे मैं वो बना सादी रोटी बनाएंगे सादा रोटी जी सही हो गई तो खुद हम अपने काम पर जा चुके हैं उन्होंने जाने जो खाने वाला और तबीर वाला आज मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कुछ मौसम की तब्दीली है कुछ तब्दीली है तब्दीली कह रही हूँ तब्दीली है कुछ मेरे गाय भाइयों को मैंने बताया होगा कि मेरे ना गले का ऑपरेशन हुआ होगा तो फिर ऐसा होता है कि कभी कभी ना गला ज़्यादा ख़राब हो जाता है कोई अल्लाह वाले से अब वो कहते हैं कि ऑपरेशन करो मैं डर के मारे नहीं करवाती मुझे बड़ा डर लगता है गले के ऑपरेशन से तो ना बंदा कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है क्योंकि पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था ना उस वक्त मैंने 10th क्लास के पेपर दिए थे मेरा लास्ट पेपर था और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो गया था अम्मी जी ने ना पहले ही टाइम दिया हुआ था तो वो जब मैं होश में आई थी ना 8 घंटे के बाद 7 घंटे के बाद मैं होश में आई थी तो यकीन वाले एक तो ना बोला जाता था और जब होश आई तो मैं अम्मी को ना ऐसे ऐसे करूँ मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा है मुझे दर्द हो रहा है आ जाओ हमारा बोर्ड था अब मैं वो भी ऐसे ही पाली थी एक इसके साथ की और थी जो मर गई थी उस पर हम बहुत रोए थे यकीन मान दो दिन तो 3 दिन हमने कुछ खाया पिया ही नहीं था उसने ना टुकड़े खा लिए सामने भाना था ना उसने हाँ जी अब हमने ना उसके पास उठा के मैं इसे प्यार कर दी तो वो उठाने नहीं दे रही है माँ ऐसी चीज़ है अच्छा आज तो फुल पोती भी नहीं गई थी ए ला, ए ला।
ये ना और मोहम्मद का और फुजैल का ना खिलौना है। फुजैल तो से एक मिनट भी ना चैन ही नहीं लेने दे रहा कि मुझे क्यों चैन नहीं दे। परी परी है ये। देखो नहीं गली ना पोती। नहीं की ये अल्लाह ने ना मेरे ओन मोहम्मद की सुनी है क्योंकि उस टाइम जब इसकी बहन फोत हुई थी ना दूसरे वाली ओन मोहम्मद मेरा बहुत बहुत तो मुझे ला कर दो मुझे ला कर दो। मैं कल कदम से कह रही हूँ मैंने कल्ला ने हमारी वही सुनी है ये देखा जाए तो वही दे दी अल्लाह ने है ना भी। वो जी लग गया जी उसके पीछे सो के उठा बकरी को सुला दे। आप ये टप आगे से हटाओ ये हटाओ इधर लेके आओ ना टप। अंकल आंटी को दिखाए देखो कैसे खेल रहा है मेमे का बच्चा छोड़ो यहाँ पे छोड़ो इसे छोड़ दो यहाँ पे ऐसे छोड़ दो इसे ऐसे ऐसे दो आ जाओ आज देखो मेमे का बच्चा ए मेमे बच्चा आ जाओ आओ जल्दी आओ जी। गैस आ गया तो फिर मैंने दूध ना गैस पे रख दिया है आज आज मैंने इसकी वीडियो बना ली है मैं इसकी वीडियो बना दी हूँ आज। और मोहम्मद वो कह रहा आप हाथ ना लगाओ मैंने कैक्शन ने वहाँ से चतपाई खड़ी कर दिया वहाँ में बैठी थी कह रही ये चतपाई पड़ी है ना इस पर बैठो अच्छा भी ऐसे कि वो कपड़े मैंने वहां से सारे उठा कर ना इधर वाले थोड़े से गीले थे बस ये बाकी इधर वाली दाल मैंने खाली कर दिया वो सारे कपड़े सूख गए हैं। तो मैं अब ना जो ये वाले कपड़े हैं ना जो अब सुबह बच्चों के उतारे हैं जो कल शाम में उतरे थे कपड़े तो मैंने कहा ये ना धो देती हूँ तो कल तक ये भी सूखी जाएंगे। ये कि अब तो धूप माशाल्लाह अच्छी निकली है लेकिन अब टाइम तो नहीं रहा लेकिन फिर भी धूप तो है ना इतनी तो है कपड़े खुश्क हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा से सूख जाएंगे। हाँ जी कुछ तो खुश्क हो जाएंगे ना इनमें फिर ये कि जब शाम में जब सालन वगैरह बना के हटेंगे जब गैस आएगा ना उसके बाद फिर गैस पे सुखा देती हूँ तुम्हें बाकी यही करके काम काज क्या जिंदगी है जिंदगी यही है और इसी का नाम जिंदगी है। चूड़ियाँ वाली भी आती है मैं नहाने जाने लगी थी वरना चूड़ियाँ पहन लेती साथ में ना पहन ले पहन लो मरी तो इधर मुझे चूड़ियों वाली आंटी बुला ली और मम्मा जी इधर मसवान कर लिया जी जी ओ काका और सुनो मैं तो सुना था है ये भी है कलर इसमें ना और बजी ये चलो एक मिनट ये लेकिन ना मुझे एक कलर जनसा ना बाजी ने ये दिखाया ना मुझे कलर ये वाला बहुत प्यारा लगा एक ये वाला कलर पहन की हूँ और ना दूसरा भी कोई और देख यही वाला वाइट वाला देखना। अच्छा इसी में वाइट वाला ये वाला हाँ जी ऑफ वाइट है वाइट नहीं है ये वाइट ऑफ वाइट और इसमें वो गोल्डन गोल्डन है ये देखो जी इधर ये भी लगा हुआ मैं तोड़ना दे उससे ले नहीं तोड़ने नहीं देती इसके काम जे करे इसने बस ये पहननी है अपनी और ये पहले की जो रखी वो पहन ली है इनसे हमने पहन ली चूड़ियाँ मेरा शहजादा। वालेकुम अस्सलाम बाजी वालेकुम अस्सलाम मुझे पहले आप नहाएंगे या हमें रोटी बना देंगे। मेरा बेटा मैंने तो रखा था पानी गर्म करने के लिए कि मैं ना नहाऊंगी तो फिर वो बाजी आ गई चूड़ियों वाली मैंने कहा चलो इसकी आवाज़ सुन ले मैं ये पहन लूँ। हाँ जी इसमें फिर मैंने एक दर्जन पहनी इसमें डेढ़ दर्जन पहनी। क्या खाना है आप लोगों ने मुझे बता दें रोटी खानी हमने तो खानी तो है रोटी लेकिन पराठा नहीं खाना लेकिन सादा। हाँ जी बकरी का बच्चा 2 दिन से भूखा हुआ आपको बना पता है बकरी का बच्चा 2 दिन से भूखा है नहीं है भूखा वो इस्तेमाल चिटाई या फिर टूटी चूड़ी है मेरा बच्चा वो तो खा भी अपनी
उन्होंने चूड़ी उठा के फेंक के आ जाओ। नहीं आप देखना, ये यहाँ रास्ते में फेंक देगा, किसी के पाँव में लग जाएंगे। तो मैं ये दोनों और साथ में ना सवा देखती हूँ, सवा भी दोगे। मैं पहले जा ही ना बच्चों को पका के देने ही नहीं सर। अब ये कह रहे हैं अन्य कलाकार ने खाना, मैं इनसे पूछ के बनाती होती हूँ जो इन्होंने बना खाना होता है। मेरे ओनू से पूछ लो ओनू ने क्या खाना। आपने पराठा है? अच्छा, क्योंकि इसको मुझे पता है ना वो पराठा खाता है। और पराठे खाने ही होती, रोटी मजे की होती है। कौन सा पराठा? कौन सा? सादा 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 भी नहीं, सादा सादा। इसे पूछो मम्मा तेरी साग वाला बना दे, इसके तमाशे चेक करने। और साग वाला बना दे, घास वाला नहीं। वो नहीं साग वाले पराठे को ना, ये कहता होता है कि घास वाला। चले जी तो ये भी हो जाते हैं, और रोटी में ना उसके लिए भी करूँ ये सब। आलू गोभी गर्म हो जाए, यहाँ पे पानी मैंने गर्म कर लिया था अपना, तो इसे मैंने अंदर रख सकती हूँ। और मोहम्मद नहीं करो मेरा बेटा, आप बच्चे को उसको भाई बकले का बच्चा, आप खुद पूछ गई निकाल दो। मोहम्मद भी तैयार होके खड़ा हुआ, पाउडर लगा दे अपने आप को, और कैक्शा भी इस टाइम तैयार है, ये जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। क्योंकि वो सुबह की तो उन्होंने छुट्टियाँ दी हैं, लेकिन शाम के टाइम उन्होंने कहा जी मुकम्मल सुकून लगेगा, स्कूल ही है ये, लेकिन यूनिफॉर्म के साथ नहीं आना उन्होंने कहा। जहर इस बच्चे बिगड़ जाते हैं, जैसे धूप निकली है अब तो कोई टेंशन नहीं, चले सुबह तो स्मोक होती है, बच्चे नहीं जा पाते। और कैक्शा ने कुछ कपड़े डाल दिए अभी सूखने के लिए, ये छोटे छोटे बाकी कपड़े मैं डालती हूँ। ठीक हो गया, खाना इन्होंने खा लिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।